हाय दोस्तों, मैं अभी कश्मीर में हूँ, श्रीनगर, और डल लेक के ठीक साइड में बैठा हुआ हूँ। दोस्तों, मेरी कश्मीर पहुँचने की ये जो दास्तां है काफ़ी अजीब है। हर साल की तरह इस साल भी दिसंबर की लास्ट वीक को छुट्टियों का समय है। मेरी तलाश इस बार एक ऐसे जगह को लेकर थी जो टूरिज्म से थोड़ी अलग हो। दोस्तों, कश्मीर में दिसंबर जनवरी का जो समय होता है इसे चिलाई कलान कहते हैं, और इस समय पड़ती है खून जमा देने वाली ठंड। और मैं अपने ट्रिप्स के एक्सपीरियंस में इस अनुभूति को समेटना चाहता था। शालीमार बाग में घूमने का प्लान है, बाइक हायर किया हुआ है, रॉयल एनफील्ड 500 cc, जिसमें कि शालीमार बाग जाऊंगा। काफ़ी सारे बोट्स दिख रहे हैं वहाँ पे। यकीन मानिए, डल झील में तैरती हाउस बोट या शिकारा अपने आप में एक गजब का दृश्य है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे बोट राइड भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छी जगह है वैसे, लेकिन टेम्परेचर फ्रीजिंग है। अभी टेम्परेचर लगभग 4 degrees या 3 degrees Celsius होगी, जो कि यहाँ के स्टैंडर्ड्स में काफ़ी अच्छा माहौल है विंटर में। यकीन नहीं हो रहा था, कश्मीर के मुगल गार्डन्स के बारे में हमने बचपन में किताबों में पढ़ा था, और आज अचानक ये ठीक आंखों के सामने है। शायद एक अरसों की तमन्ना पूरी हुई हो। अभी मैं निशांत बाग में हूँ, और ये कश्मीर की सबसे बड़ी गार्डन है। डल लेक के ठीक किनारे में ही स्थित है लाइक शालीमार बाग, जो यहाँ की और एक बहुत ही पॉपुलर गार्डन है। और बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। और यहाँ के बैकड्रॉप में एक बहुत बड़ा माउंटेन है, और साइड में है डल लेक। निशांत बाग का निर्माण सन 1633-34 में मुगल शासकों ने करवाया था। यह भारत का सबसे बड़े गार्डन्स में गिना जाता है, इनफैक्ट दूसरा सबसे बड़ा गार्डन है। बेसिकली एक सीढ़ीदार गार्डन है जिसके एक तरफ डल झील है और दूसरी तरफ हिमालय की चोटी दिखाई देती है। यहाँ की एक छोटी सी स्टोरी बड़ी प्रसिद्ध है। निशांत बाग का निर्माण हसन आसफ खान, जो कि शाहजहां के ससुर हुआ करते थे, उन्होंने किया था। शाहजहां को ये बगीचा इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उपहार में इस बगीचे की मांग कर दी। जब हसन आसफ खान इस बगीचे को नहीं दिए तो शाहजहां को काफी गुस्सा आया, और गुस्से में उन्होंने यहाँ की पानी की सप्लाई रोक दी। खैर, शाम ढलने पर आ गई है, और इससे पहले कि शाम ढले हमें एक और मुगल गार्डन, जो कि शालीमार बाग है, उसे कवर करना है। कुछ समय बैठ के निशांत बाग में मैं शालीमार बाग की तरफ निकल पड़ा। मैं अभी शालीमार बाग में हूँ। शालीमार बाग श्रीनगर के बाहरी इलाके में बना हुआ है, और ये एक मुगल गार्डन है। मुगल के टाइम से ही बना हुआ है। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इसे जहांगीर ने बनाया था अपनी वाइफ नूरजहां के लिए, और काफ़ी पुरानी गार्डन हुआ करती थी, इवन मुगल टाइम से भी पहले की। उस गार्डन को रिनोवेट किया गया, और जहांगीर ने इसे डेडिकेट किया अपनी वाइफ नूरजहां के लिए। बहुत ही बड़ी गार्डन है, और प्लेन आर्किटेक्चर में बनी हुई है, अनलाइक निशांत बाग जो कि सीढ़ीनुमा स्टाइल से बनी हुई थी। ये प्लेन आर्किटेक्चर, पर्शियन आर्किटेक्चर के ऊपर इसका प्लान बना हुआ है। शालीमार बाग बहुत बड़ा बगीचा है। यहाँ पे काफ़ी सारे पानी के फव्वारे देखने को मिलते हैं, लेकिन पता नहीं आज किसी कारणवश ये बंद पड़े थे। दोस्तों, शालीमार बाग में बहुत ज़्यादा लोग आज नज़र नहीं आए मुझे, मे बी शायद
सर्द बढ़ चुकी है और शाम ढल चुकी है, इसी वजह से लोग ज़्यादा नहीं हैं। मुझे शालीमार बाग इन जनरल बहुत मनमोहक लगा और मैंने यहीं पे ये डिसाइड किया कि कल और एक दिन मैं मुगल गार्डन्स देखने को स्पेंड करूं। इनफैक्ट कल फिर आऊँगा और बाकी के मुग़ल बगीचे यानी चश्मे शाही, परी महल और बॉटनिकल गार्डन कवर करूँगा। अगले दिन की सुबह की शुरुआत काफी अच्छी रही। शुरुआत मैंने यहां पे शिकारे में किया। शिकारा यानी डल झील पे चलती हुई ये नावें जिन्हें हम शिकारा कहते हैं। शिकारे वाले भैया ने हमें ये बताया कि यहां पास में चार चिनार नाम की छोटी सी आइलैंड है। इसको मगलू ने बनाया है। अच्छा। और मगलू ने इसको नाम दिया है जो चार पेड़ है ना, इसका चिनार के चार पेड़। ओके। वही नाम दिया है इसका चार चिनार, ये चिनार के पेड़ है। चार चिनार एक आर्टिफिशियल आइलैंड है डल लेक के ऊपर, जिसको कि औरंगजेब के भाई ने बनाया हुआ था। एक मुगल एम्परर थे जो कि औरंगजेब के भाई थे, उन्होंने बनाया था इसको। और इसका नाम चार चिनार इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर चार चिनार पेड़ मौजूद है। चार पेड़ हैं जो कि चिनार के पेड़ हैं। चार चिनार आने के लिए आपको डल लेक शिकारा पॉइंट से शिकारा लेकर यहाँ आना पड़ता है। ये तकरीबन किसी भी शिकारा पॉइंट से हार्डली हाफ एन आवर 30 मिनट्स के आसपास का जर्नी है और काफ़ी अच्छा राइड होता है शिकारा पे, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। चार चिनार से निकल के मैं सीधा पहुंचा श्रीनगर के बॉटनिकल गार्डन में। बॉटनिकल गार्डन को जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन भी बोलते हैं और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ये चश्मे शाही जो कि एक और मुग़ल गार्डन है उसके बिल्कुल पास में ही है। और इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूँ, चश्मे शाही को भी हम चलेंगे। हाय दोस्तों, तो अभी हम हैं एक और मुग़ल गार्डन में, चश्मे शाही जो कि रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जानी जाती है। सबसे छोटी मुग़ल गार्डन है ये, शालीमार सबसे बड़ी, निशात सेकंड, और ये सबसे छोटी मुग़ल गार्डन है। चश्मे शाही गार्डन श्रीनगर में स्थित एक प्राचीन उद्यान है जिसकी स्थापना 1632 ईस्वी में की गई थी। यह श्रीनगर का सबसे छोटा मुगल गार्डन है जिसकी लंबाई करीबन 108 मीटर और चौड़ाई लगभग 38 मीटर की है। इसके अलावा इस गार्डन को रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं। एक और खास बात इस गार्डन के बारे में आपको बता दूं, यहां पे नीचे से निकलने वाली एक मिनरल वाटर काफी फेमस है। चश्मे शाही से निकल के मैं परी महल की तरफ निकल गया। परिमहल एक पहाड़ की शिखर पर बनी हुई है। परिमहल चश्मे शाही के पूर्वी द्वार के छोर के पास है और एक पहाड़ी के शिखर पे बनी हुई है। यहाँ से श्रीनगर का जो व्यू है पूरा बहुत ही वाइड और बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई देता है श्रीनगर सिटी का।
परी महल को शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह ने बनाया था। ऐसी मान्यता है कि पौराणिक समय में यहाँ झरने हुआ करते थे जो अब सूख गए हैं। पहले परी महल खगोल विज्ञान और ज्योतिषी सीखने का एक केंद्र माना जाता था। बगीचे में एक स्प्रिंग और एक लॉन है जहाँ कई प्रकार के फूल और फल आपको कई हिस्से में बटे हुए मिल जाएंगे। परिमहल वो जगह है जो कि एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज के लिए यूज की जाती थी मुगल प्रिंस दारा शिकोह द्वारा, और ये जगह दारा शिकोह ने ही बनाया था जो कि मुगल प्रिंस थे और शाहजहां के बेटे थे। ये जगह इसलिए भी पॉपुलर है कि ये वही जगह है जहाँ पे दारा शिकोह की हत्या हो गई थी। उनके भाई औरंगजेब ने उनका कत्ल कर दिया था और इस जगह का ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। रात काफ़ी हो चुकी थी और परिमल के बाद मुझे होटल लौटना था।